आउटडोर्स दिलो यानी एक्वेरियस। आज के दिन आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे जिससे आप अपनी जिस्मानी सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। आज आप अपने ख़ानदान के मेम्बरान के साथ बहुत सा वक्त गुजार सकेंगे जिनके मशवरों पर अमल करते हुए आप अपने बहुत से मसाइल को हल कर पाएंगे। बुर्ज हमल यानी एरीज। आज के दिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर अपनी राय ना थोपें क्योंकि ये आपके मफाद में नहीं होगा। आप गैर ज़रूरी तौर पर झुंझलाहट का शिकार होंगे। दफ्तर में सीनियर्स और जूनियर्स का तआवुन आज आपको मयस्सर रहेगा जो कि आपके हौसले में भी इजाफा करेगा। आज के दिन कारोबारी मकासद के लिए किए जाने वाला सफ़र आपके लिए सूदमंद साबित होगा। बुध सरतान यानी कैंसर। आज के दिन आपके अपनी फैमिली या वालदेन के साथ विरासत को लेकर ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, मगर ख़ानदान के दीगर मेंबरान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप इनकी ज़रूरियात को तरजीह देंगे और उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप इनके खुशी और गम में इनके साथ हैं। बुध जद्दी यानी कैप्रिकॉन। आज के दिन काम का दबाव और घर में तनाव का माहौल आपको झुंझलाहट का शिकार कर सकता है, जिससे आप ज़हनी तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। आज का दिन मजमूई तौर पर एक सूदमंद दिन है, लेकिन आपका कोई दोस्त आपको मायूस कर सकता है। दफ्तर में सीनियर्स और साथियों का तआवुन आपका हौसला बढ़ाएगा। बुर्ज जौजा यानी जेमिनाई। आज के दिन आपकी बहुत सी चीज़ों का दारोमदार आपकी फ़ैसला करने की कुव्वत पर होगा, लिहाजा अपनी इस कुव्वत को बेहतर बनाएं और आज आप जो भी फ़ैसला करें कोशिश करें कि वो मज़बूत और देर पा फैसला हो। आपके हाल ही में डेवलप करदा कारोबारी रबते आपको तवील मुद्दत में बहुत सा मुनाफा देंगे। बुर्ज असद यानी लियो। आज के दिन आप दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करके अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं, इससे आपकी ज़हनी सेहत भी बेहतर होगी। आज के दिन आपकी सख्त मेहनत करने की आदत और मुस्तकिल मिजाजी आपकी शोहरत में इजाफा करेगी, जिससे आपको माली फ़ायदा भी हो सकता है। आज के दिन आप कुछ नए दोस्त बना सकेंगे जिससे आपके हल्का अहबाब में भी इजाफा होगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। आज के दिन आपकी सोच ज़्यादा क्रिएटिव होगी और आप तख्लीकी काम करके ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। आज के दिन ज़ेवरात और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको माली खुशहाली फराहम करेगी। आज के दिन आप अपना रवैया अपनी फैमिली और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बेहतर बनाकर इनसे अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर सकते हैं। आज के दिन आप इजाफी इल्म हासिल कर सकेंगे। बुर्ज हौत यानी पाइसेस। आज के दिन आपके पास अपनी ज़ाहरी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए बहुत सा वक्त होगा और आप इस बारे बहुत से काम सर अंजाम दे सकेंगे। आज के दिन आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकेंगे और अपने बच्चों की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके आप अपने घरेलू माहौल में बेहतरी ला सकेंगे। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। आज के दिन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, चूँकि आपकी मुसलसल जद्दोजहद
और आपकी समझ आपको यकीनन कामयाबी से हमकिनार करेगी। आज के दिन घरेलू मसरूफियात और घर के ज़ेरे इल्तवा काम ख़त्म करने के लिए मुनासिब दिन है। आज आप अपनी शरीक हयात को बहुत से तहाइफ दे सकते हैं। आज के दिन आप अपने कारोबारी सौदों पर तवज्जो देंगे और बेहतरीन सौदा आपके माली फवायद में इजाफा करेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, आज के दिन आपको किसी तवील मुद्दती बीमारी से निजात मिल सकती है। आज आपको अपने इल्म में इजाफा करने के लिए अपने दोस्त अहबाब की मदद मयसर रहेगी। आज के दिन आपकी तवानाई में ज़बरदस्त इजाफा होगा, जिससे आप अपने बहुत से काम मुकम्मल कर सकेंगे। आज के दिन आप अपने कागजात से मुतल्लिक काम या डॉक्यूमेंटेशन के मुतल्लिक काम भी काफ़ी हद तक अंजाम को पहुंचा सकेंगे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, आज के दिन मुजरे सेहत अशिया खाने से परहेज़ करें, इनसे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। आज के दिन स्पेकुलेशन और गैर मुतवक्के फ़ायदों के ज़रिए आपकी माली हालत बेहतर हो सकती है। आज के दिन आपके यहाँ मेहमान आ सकते हैं। इत्मीनान बख्श नतायज हासिल करने के लिए चीज़ों की अच्छी तरह मनसूबाबंदी करें और इन पर अपना वक्त सर्फ करें। बुर्ज संभला यानी विरगो, आज के दिन नामुमकिनात या फिर ऐसी चीज़ों बारे सोचकर अपना वक्त ज़ाया ना करें जिनको अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता, बल्कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपनी तवानाई को ज़ाया ना करें और इसे इस सिमत में लगाएं जिससे आपको फ़ायदा हो सके। आज के दिन आप बग़ैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा सकेंगे। हमारे चैनल स्टार वार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक